नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। फारुखाबाद के शहर कोतवाली पुलिस ने बरेली जा रहे एक ट्रक से अनुमानित 2 करोड़ रुपए की कीमती 13 किलो अफीम बरामद करके एक अंतरराज्य जनपदीय अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके लिए पूरी टीम ने जो इतना अच्छा काम किया और इतनी बड़ी रिकवरी करवाई, उसके लिए 20,000 का इनाम दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ये थाना फरुखाबाद की टीम के द्वारा एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में 13 किलोग्राम नाजायज अफीम के साथ में एक अभियुक्त को पकड़ा है और इस अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कुल कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। और ये अफीम जैसा कि अभियुक्त ने बताया कि झारखंड से लाई जाती थी और इसके 2 अन्य साथी जो कि फरार होने में सफल रहे, उनका नाम डालचंद और भगवान दास है जो उत्तराखंड और बरेली के रहने वाले हैं, उनको ये सप्लाई करता था और वहाँ से उनके द्वारा इसे दिल्ली और पंजाब में भेजा जाता था। इस संबंध में थाना फरुखाबाद पर FIR दर्ज की गई है और जो ट्रक है UP 22T1556 उसे भी जब्त किया गया है और इसमें अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और जल्दी ही टीम लगाकर इसके जो अन्य 2 अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे निर्धारित कार्रवाई। हाँ, सप्लाई करता तो क्या कोई हो सकता है? जैसा मैंने बताया कि जो ये अभियुक्त है दिनेश कुमार राजपूत और इसके 2 अन्य साथी थे, ये झारखंड से अफीम लाया करते थे और अफीम लाने के बाद इसके 2 अन्य साथी डालचंद और भगवान दास जो कि बरेली और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ये पंजाब और दिल्ली में इसकी सप्लाई किया करते हैं। इसकी खपत बेसिकली ये एक नशीला पदार्थ है जिसका जिनके द्वारा अभी तक बताया गया है कि ये भी इनके अन्य जो कैरियर्स हैं उनको दिया करते थे और उनके माध्यम से अन्य लोगों को दिया जाता था। तो हम इनके पूरे नेटवर्क के बारे में पता कर रहे हैं कि इनका पूरा नेटवर्क नेक्सस क्या है और इनके एंड यूजर्स कौन हैं उसके बारे में जानकारी की जा रही है और जैसे जैसे उनका नाम प्रकाश में आएगा उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक ये नहीं था, ये जो मुखबिर की सूचना पर हमने पकड़ा है ये झारखंड से लाकर सीधे इसको बरेली और उत्तराखंड ले जा रहे थे और वहाँ से फिर इसको आगे के लिए ये ले जाते हैं। कुछ चुनाव से भी कनेक्शन हो सकता क्या? इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और इस बुधवार के लिए पूरी टीम ने जो इतना अच्छा काम किया और इतनी बड़ी रिकवरी करवाई, उसके लिए 20,000 का इनाम दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। थैंक यू।